अब जरा इस हदीस को सामने रखिए और इमेजिन करें कि वो बंदा जिसका वर्ल्ड व्यू ये है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. अल्लाह ने मेरा रिस्क कहां पे है वो स्टोर्ड है, मैं उसको लेकर ही दुनिया से रुखसत होऊंगा, मेरा रिस्क वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता. इमेजिन करें जब ये बंदा अपने इस कन्विक्शन और बिलीफ के साथ सुबह जॉब पर जाएगा या अभी अपने बिजनेस के को ऑब्जर्व करने जाएगा या अपने ऑफिस में जाएगा तो कुछ चेंजेस आपको उसके बिहेवियर में नजर आएंगी एज कंपेयर टू दी अदर इंडिविजुअल जिसका ये वर्ल्ड व्यू नहीं है. मिसाल के तौर पे ऐसा बंदा कभी भी अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. क्यों? बहुत सी ऐसी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पे आपको डिसीजन लेना होता है. अच्छा, मेरा रब ये कहता है, ये सही है ये गलत है, मैं ये गलत काम करूंगा, हो सकता है मुझे बेनिफिट हो जाए, ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर ये है कि मुझे बेनिफिट मिल सकता है. लेकिन वो बंदा इस कन्विक्शन के साथ उस चीज को रिजेक्ट कर देता है कि रिस्क अल्लाह के हाथ, मैं जो मर्जी कर दूं अगर ये रिस्क मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिल जाएगा, और अगर मेरे नसीब में नहीं लिखा, चाहे मैं हराम तरीका भी अडॉप्ट करूं, मुझे ये नहीं मिलेगा. वो बंदा कभी भी अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कभी वो हलाल और हराम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा एज कंपेयर टू द अदर इंडिविजुअल जिसका ये कन्विक्शन नहीं है. वो क्या करेगा, वो फौरन जहां पे उसको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी फौरन उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करेगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दैट ब्रिंग्स अ वेरी बेनिफिट आउटकम और नॉट, बेनिफिशियल आउटकम और नॉट. और वो कहेगा दैट्स हाउ वर्क थिंग्स वर्क, मैं क्या करूं, मजबूरी है, इसके बगैर होता नहीं है. डू यू एग्री विद मी और नॉट?